नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। खबर बांदा से है, जहां नारायणी प्रशासन की लापरवाही के चलते एक और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें सवार करीब 25 लोगों में से 20 लोग घायल हो गए, वहीं एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, इस हादसे में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बता दें कि ये पूरा मामला नारायणी थाना अंतर्गत पनगरा का बताया जा रहा है, जहाँ एक ट्रैक्टर ट्रॉली में लगभग 25 लोग सवार होकर के नारायणी के मुकेरा से मध्य प्रदेश के गोयरा गांव जा रहे थे। इसी दौरान अचानक सामने कुत्ता आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत पलट गई, जिससे यह हादसा हो गया। आज दिनांक 4/10/2022 को थाना नारायणी के अंतर्गत पनगरा में लगभग 12:30 बजे सूचना मिली कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गया है। यह जो मुकेरा नारायणी के अंतर्गत पड़ने वाले मुकेरा से मध्य प्रदेश खबर बाराबंकी से है, जहां विकासखंड रामनगर की ग्राम पंचायत बिरौली में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण में गड़बड़ी को लेकर के विरोध जताया। दरअसल बिरौली में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें मानक को दरकिनार कर कार्य कराया जा रहा है, जिसके संबंध में ग्रामीणों ने गांव के प्रधान राकेश और पंचायत सचिव से शिकायत भी की है, पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगली खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां एक तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, वहीं स्वास्थ्य महकमा फेल नजर आ रहा है। दरअसल जिले के बांसी कोतवाली के सोनखुर चौराहे पर करीब 2 वर्षों से NH और 28 पर अवैध तरीके से हॉस्पिटल का निर्माण चल रहा था, जिसमें सुबह प्रसव के दौरान जच्चा बच्चा की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने अवैध हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए खबर गोरखपुर से है, नाथ संप्रदाय की ओर से निकलने वाले परंपरागत शोभा यात्रा में गोरक्ष पीठाधीश्वर की भूमिका में नजर आए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये शोभा यात्रा गोरखपुर मंदिर से निकली और विभिन्न रास्तों से होते हुए मानसरोवर रामलीला मैदान में आकर संपन्न हुई। शोभा यात्रा को लेकर के पुलिस और प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे, इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे, ड्रोन और CCTV कैमरे से भी निगरानी की गई। खबर श्रावस्ती से है, जहां भारत नेपाल जवानों के बीच वॉलीबॉल मैच का आयोजन हुआ। SSB 62वीं वाहिनी और नेपाल PF जवानों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें SSB भचकाही नाका ने 3-1 से मैच जीत लिया। SSB कमांडेंट ने बताया कि मैच का उद्देश्य सीमा प्रहरियों के बीच समन्वय बढ़ाना और आमजन से भय और अपराध को मिटाना है। उत्तरकाशी में द्रौपदी का डंडा दो पर्वत चोटी के पास हिमस्खलन की सूचना मिली है, जिसमें नेहरू पर्वतारोही और संस्थान के 28 पर्वतारोही फंस गए हैं, वहीं दो प्रशिक्षकों के मौत की खबर भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्वतारोहियों को सकुशल निकालने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से वायुसेना की मदद मांगी है। आपको बता दें कि SDRF ने 4 लोगों को लोकेट कर लिया है, इन लोगों के रेस्क्यू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं पर्वतारोहियों की मौत की खबर पर उत्तरकाशी के SP ने कहा है कि जिस जगह ये हादसा हुआ है वो बहुत ही सुदूर इलाका है, अभी प्रशासन के पास कोई आधिकारिक पुष्टि या खबर नहीं पहुंची है। खबर शाहजहांपुर से है, जहां तिलहर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नकली मुगल कालीन सिक्के और लोटा के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 लोग अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो गए। पुलिस ने इनके पास से नकली सोने के 230 सिक्कों के साथ अरबी और फारसी भाषा में लिखा एक लोटा भी बरामद किया है। ये लोग सोने का बताकर लोगों से ठगी करते थे, वहीं पुलिस मामले में फरार अभियुक्तों की तलाश कर रही है।
थाना तिलर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर दो अभियुक्तों को बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से एक लोटा, पुराना लोटा जिसपे अरबी और फारसी में लिखा हुआ था, और 230 सिक्के बरामद हुए जो पीली धातु के थे। उनको सोने जैसा बनाकर उन पर भी उर्दू में कुछ लिखा हुआ था जिससे कि वो पुराने प्रतीत हों। खबर पीलीभीत से है, जहां किसान नेता राकेश टिकैत आज पीलीभीत पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारियां ढोने को लेकर के बड़ा बयान दिया है। राकेश टिकैत ने सरकार के फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि क्या ट्रेन और बस हादसा होने पर कोई रोक लगाई जाती है? गांव के लोगों के आने जाने का साधन है ट्रैक्टर ट्रॉली। टिकैत ने कहा है कि किसानों को बर्बाद करने वाला ये सरकार का आदेश है। ट्रैक्टर ट्रॉली सड़कों पर चलते रहेंगे जैसे पहले चलते थे। हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं और इस मामले में सरकार को पत्र भेजेंगे। ये किसान संगठन या गांव के लोग आने जाने का साधन का ट्रैक्टर है, उसको एक किस्म से रोक रहे हैं, उस पर जुर्माना लगा रहे। वो साधन बता दो, लोग कैसे जाएंगे? क्या ट्रेन हादसा होता है देश में? ट्रेन रुकी, बस का हादसा होता है क्या? बस रुकी, मोटरसाइकिल पे इतने एक्सीडेंट होते हैं क्या? कंपनियां बंद होगी मोटरसाइकिल की? लेकिन ट्रैक्टर किसान का है, किसान को बर्बाद करना है। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर ना चले, इसलिए ये पूरा प्रोग्राम रचा जा रहा है। ट्रैक्टर सड़कों पर चलेंगे। खबर बलरामपुर से है, जहां आलू लदे ट्रक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आलू लेकर के मंडी समिति में डीसीएम आया था। बता दें कि ट्रक के केबिन में खाना बनाते समय आग लगी और गैस सिलेंडर के कारण आग तेजी से फैल गई। इस दौरान ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया और गनीमत रही कि ये बड़ा हादसा टल गया। किसी के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात एक टैक्सी चालक को उसी की कार में अज्ञात बदमाश ने हत्या कर दी। घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस ने कार से एक बैग, कुछ कागजात सहित कैंची का टुकड़ा भी बरामद किया है। कार में मिले साक्ष्य के आधार पर अज्ञात बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। ये देखिए, पुलिस को लगभग 10:30 बजे अपने गश्त से लौट रहे हमारे दो बीट के आरक्षी जो थे, उनको अचानक सूचना प्राप्त हुई कि कहीं पे एक लावारिस गाड़ी खड़ी है। और जैसे उस लावारिस गाड़ी के पास पहुंचे हैं तो गाड़ी का नंबर देखने पे जानकारी हुई कि यह गाड़ी संख्या UP56T5650 इसमें, और इसके ड्राइवर थे श्रवण पाठक, वो घायल अवस्था में गाड़ी से निकले थे। और यहाँ स्थानीय लोगों ने उनको तत्काल देखा। पुलिस द्वारा मौके पर पहुँच के उनकी स्थिति को देखते हुए उनको तत्काल पास के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां पर अभी उनकी मृत्यु हो गई है। अगली खबर बस्ती से है, जहां कानपुर हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रैक्टर ट्रॉली से अवैध रूप से सवारी ढोने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसके बाद बस्ती पुलिस भी एक्शन में आ गई है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अवैध रूप से सवारी ढोने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने रोडवेज तिराहे से अवैध रूप से ट्रैक्टर ट्रॉली में सवारी जा रहे ट्रैक्टर को सीज कर कोतवाली में खड़ा कर दिया गया है। वहीं सवारियों को ऑटो से उनके घर तक भेजा गया। इसी तरह वाटरगंज और थाना हरैया थाना क्षेत्रों में भी अभियान चला करके ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ कर सीज कर दिया गया है। सीओ आलोक प्रसाद ने बताया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली और मालवाहक वाहनों से कुछ जगहों पर बड़ी दुर्घटना हुई है। उन्होंने अपील की है कि लोग मालवाहक वाहनों पर सवारी न करें, ये बैठने के लिए डिजाइन नहीं होते हैं जिससे दुर्घटना होने की खतरा बनी रहती है। ट्रैक्टर ट्रॉली एवं मालवाहक वाहनों से यात्रियों के आवागमन के दौरान कुछ जनपदों में बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जनहानि भी हुई है। अतः ट्रैक्टर ट्रॉली एवं मालवाहक संचालकों से अनुरोध है, कृपया अपने वाहनों से यात्रियों
को ना ढोएं, क्योंकि इस प्रकार के वाहन यात्रियों के सुरक्षित आवागमन हेतु डिजाइन नहीं किए गए होते, इससे बड़ी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां हाई क्वालिटी की नकली करेंसी तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। ये शातिर हरियाणा से नकली करेंसी की तस्करी करते थे। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना मऊ दरवाजा के शनिदेव मंदिर के पास से दोनों को गिरफ्तार किया है। करेंसी को खपाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 43 नोट, कुल 20,700 हाई क्वालिटी की नकली करेंसी बरामद की गई है। मामले का खुलासा एसपी अशोक कुमार मीणा ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि नकली करेंसी के रैकेट को चलाने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।